Hello guys, welcome back. Now we are discussing about the method 3 for the solution of differential equation of order 2. Okay, this method is called the method of changing independent variable. Okay, we say it method of changing independent variable. Okay, अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो differential equation है वो इस form में दिया रहता है, ठीक है? Okay. यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है वाई डबल डैश, ये क्या है? ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है आपका एक्स, ठीक है? हम लोग इसको चेंज कर देंगे. ओके, चेंज करके हम लोग कोई न्यू वेरिएबल ले लेंगे, सपोज कीजिए से जेड, ठीक है? तो हम लोग एक्स को जेड में चेंज कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा. उसको कैसे चेंज करेंगे, और जब चेंज होकर के न्यू आ जाएगा तो उससे हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे काफ़ी सिंपली. तो देखिए स्टेप्स है, पहले तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए. उसके बाद हम एक कोई नया इंडिपेंडेंट फंक्शन जेड चूज करेंगे, ठीक है? इस जेड को इस पुराने वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में कैसे रिलेट किया जाएगा, तो रिलेशन होगा ये वाला. देखिए डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू, ठीक है? क्योंकि क्यू जो है मेरा वो क्या है, वो एक्स का फंक्शन है. क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? तो इसलिए आपका जो ये डेरिवेटिव है ये एक्स के फंक्शन में आएगा. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको क्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी क्यू का मॉड वैल्यू, ठीक है? निगेटिव अगर होगा क्यू तब भी आप उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? अच्छा, जब आप ये रिलेशन को एग्जिस्ट कराएंगे तो इसके बाद एक्स को जेड में चेंज करने से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था 1 वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा नए इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2, ठीक है? ये आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 के ही जैसा आएगा, बस ये जो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव था अब वो जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है? और पी को हम लोग P1 लिखे हैं, क्यू के प्लेस पे Q1 और आर के प्लेस पे R1. तो हमारा जो P1 और Q1 और R1 है इसका वैल्यू भी हमारा नया आ जाएगा. तो P1 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, ऊपर में देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस पी इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है? Q1 इज क्यू बाई डिजिट बाई डी एक्स पर स्क्वायर, R1 इज आर बाई डिजिट बाई डी एक्स पर स्क्वायर. तो सब में देखिए ये नीचे जो डिनोमिनेटर है आपका वो सेम है तीनों में, ठीक है? तो ऊपर में भी क्यू के लिए Q1 के लिए क्यू है, R1 के लिए R है, और P1 के लिए थोड़ा सा चेंज है, सेकेंड ऑर्डर है प्लस फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? तो इसको आप काफ़ी सिंपली याद रख सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग सोल्व करेंगे कोई भी यूजुअल मेथड से, ठीक है? जो भी यूजुअल मेथड होगा उससे हम लोग इसको सोल्व करेंगे. जब ये सोल्व हो जाता है, ये जाहिर सी बात है सिंपली सोल्व होगा, जनरली आपको कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा ये 2 वाला, तो सोल्व करना ईजी हो जाएगा. तो वहाँ से आपको जेड, वहाँ से आपको जो है जो भी सॉल्यूशन मिलता है जेड के टर्म में, ठीक है, उस जेड के जगह पे आप वापस से एक्स का वैल्यू डाल दीजिएगा, जो भी जेड इक्वल टू एफ एक्स हमको मिलेगा या के एफ एक्स मिलेगा, जो भी मिलता है. मतलब जब हम लोगों ने स्टेप बी लिया था तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है? एक्स पे डिपेंड करता है. तो जो भी आपको जेड मिलता है वो जेड आप फाइनली इसके सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है? स्टेप्स को आप लिख लीजिए और स्टेप्स के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके, देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है? सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाई डैश प्लस 4y = 0, ठीक है? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो y डबल डैश का कोएफिशिएंट है इसको आप सारे टर्म में डिवाइड कर दीजिए
तो क्या आ जाता है बताइए, वाई डबल डैश प्लस कॉस बाई साइन बचेगा, यहाँ पे कॉट एक्स आ जाएगा, वाई डैश प्लस 4 बाई साइन स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या आएगा, ये पी आपका कॉटेक्स है, क्यू आपका 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स है और आर आपका 0 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी चूज, हम लोग नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, जेड इज इक्वल टू क्या लेंगे, जेड सच दैट, वी चूज जेड सच दैट कैसे, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू। ठीक है, तो क्यू का मॉड तो वही आएगा आपका 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 कॉसेक एक्स। आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, निगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, ओके, इग्नोरिंग निगेटिव वन। ठीक है, निगेटिव वैल्यू को आपको इग्नोर कर देना है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल टू 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस गिव्स जेड इज इक्वल टू 2 log tan x/2। ओके, यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट नहीं लेना, याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको जेड को एक्स के टर्म में निकालना है, सो इट इज 2 log tan x/2। ओके, क्लियर। अच्छा, हमारा जेड निकल चुका है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ 2। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा बताइए, नाउ चेंजिंग एक्स टू जेड, ओके, वी गेट दी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ वन इज, क्या मिल जाएगा हम लोगों को बताइए, हम लोगों को मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड के टर्म में आएगा, ओके, प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है पी वन क्यू वन और आर वन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वेयर आपका पी वन क्या होगा, पी वन होता है हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। देखिए हमारा जेड क्या है, जेड है हमारा log tan x/2। ठीक है, इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, log tan x/2 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आता है, ठीक है, जो आता है हम उसको देखते हैं अभी। तो ये हमारा पी वन हो गया। ठीक है, इसको हम जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इक्वेशन 2 से तो हमारा आ जाता है, ठीक है, -2 cosec x into cot x। ठीक है, प्लस फिर पी का वैल्यू पुट अप कीजिए, पी क्या है, पी है आपका कॉट एक्स और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिएगा आप इसको डेरिवेटिव कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमको पता है 2 cosec x है, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपको मालूम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि मेरा यहाँ से सेकेंड ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2 कॉन्स्टेंट है कॉसेक एक्स का कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स का हम लोग करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना। ठीक है, कॉसेक का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 cot x into cosec x। ठीक है,
ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यही आया था, डायरेक्ट लिख दिया गया प्लस पी, पी हमारा कॉटेक्स है और डी जेड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो फिर से ये हमारा आ जाएगा यहाँ से टू कॉसेक एक्स, टू कॉसेक एक्स ठीक है, होल डिवाइडेड बाई इसको पूरा को डिवाइड करेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहीं पे है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप देखिएगा ये पूरा सेम टर्म है ये पूरा, ठीक है ये आपका ऊपर में जीरो आ जाता है ठीक है। तो पी वन हमारा क्या आ जा रहा है, जीरो, पी वन जीरो मिल गया। ओके आइए हम लोग फिर यहाँ से क्यू वन निकाल देते हैं। ओके क्यू वन क्या आ जाएगा, क्यू वन का फॉर्मूला होता है क्यू बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ठीक है। तो क्यू हमारा क्या है, अगर हम लोग क्यू को देखेंगे तो हमारा क्यू था फोर कॉसेक स्क्वायर एक्स, फोर कॉसेक स्क्वायर एक्स ठीक है, और नीचे भी वही आएगा फोर कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपको पूरा कैंसिल होकर के वन आ जा रहा है। आर वन क्या मिलेगा, आर वन मिलेगा आर बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ठीक है। आर क्या है हमारा, तो अगर हम लोग आर को देखें ठीक है, तो आर जो है हम लोगों का वो है जीरो, तो ये भी वैल्यू आपका जीरो आने वाला है ठीक है। तो हमारा ये सारा जीरो आ गया ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या आ जाएगा ठीक है, कौन सा इक्वेशन था हमारा देखिए ऊपर में क्या इक्वेशन लिया था हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है, इक्वेशन थ्री ले लीजिए इसको, यस इक्वेशन थ्री ठीक है। तो थ्री हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर थ्री इम्प्लाइज आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा बताएं, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन हमारा वन है तो डी वाई बाई डी जेड, क्यू वन आपका सॉरी पी वन तो जीरो हो गया ना, तो जीरो इंटू इतना प्लस क्यू वन वन आया है तो वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन जीरो, तो फाइनली ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है ठीक है। तो अब तो इसको सोल्व करना इजी है, इसलिए कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है। तो हमको इसका एग्जैक्टली जो है सोल्यूशन वो मिल जाता है, एग्जैक्टली इक्वेशन हमको क्या मिलेगा ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक मिनट, एग्जैक्टली इक्वेशन हमको क्या मिल जाता है, तो देखिए इसका हम लोगों को एग्जैक्टली इक्वेशन मिल जाएगा ठीक है, एग्जैक्टली इक्वेशन इज, एग्जैक्टली इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आपको एम देता है प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ से हमको सी एफ मिल जाएगा ठीक है, क्या सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स ठीक है। इसका पी आई तो मिलेगा नहीं चूंकि ये जीरो है ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन आपका आ जाएगा जेड इज इक्वल टू, अच्छा ये जेड के टर्म में आएगा माफ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जेड में चल रहे थे लेकर के ना, तो ये जेड ये भी जेड ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाने वाला है सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड ठीक है। ओके हमारा हम लोग का जो आंसर है वो आ जा रहा है वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड, ये याद रखिएगा ये हमारा इक्वेशन टू का आंसर आया है ठीक है, इक्वेशन थ्री का, तो वन का आंसर लाने के लिए फिर वापस आप जेड का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू था टू लॉग टेन एक्स बाई टू, तो कॉस टू लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी टू साइन टू लॉग टेन एक्स बाई टू, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, देखिए काफी सिंपल है, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है, तब तक आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन को बनाइए। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।